कितने बॉल खेले थे डेविड ने? डू यू थिंक आज यहाँ पे जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच होना चाहिए था मोर बिकॉज आप इम्पैक्ट की काफी बात करते हैं? मेरा ख्याल है विराट ही बनते थे क्योंकि जो उन्होंने मोमेंटम दिया जिस मुश्किल कंडीशन में उन्होंने अपने आप को लेके चले क्योंकि मैं वो एंड के तीन बॉल के ऊपर मैं वहीं पे खड़ा हूँ वहां से नहीं हट रहा लेकिन जो 97 तक का सफर था और वो सिर्फ विराट कोहली जैसा ही प्लेयर कर सकता था जो इतना 462-451 इनिंग्स फॉर सचिन तेंदुलकर एंड 277 इनिंग्स फॉर विराट कोहली अनबिलीवेबल आई थिंक वर्ड्स आर नॉट इनफ आई ऑलवेज से दिस टू प्रेज दिस फेलो नो डाउट जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है सचिन तेंदुलकर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर उनका रिकॉर्ड बराबर किया है बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है वो ये है कि इनके जो हंड्रेड्स हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में yes. ये दैट्स व्हाट मैटर्स क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत जबरदस्त जब इंटरव्यू में बात कर रहे थे सचिन और विराट की सचिन तो मास्टर था क्लासिकल और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है बाकी कोई आसपास नहीं है सब गाइस कैसे हो आप लोग हम फिर आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ तो वीडियो का आपने मेन हिस्सा देखना है तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे भारत ने जीता शानदार मैच और कमेंट सेक्शन में टी शर्ट पर होने हैं कमेंट आपको पता है कि मैं ये टी शर्ट पहन के वीडियो शूट करता हूँ बट लिटरली अगर आप मेरे को टी शर्ट देना चाहते हैं या कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हैं भाई एक कोई इंडिया टीम वाली टी शर्ट देना चाहते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत कई लोग तो बहुत नेगेटिव भी कॉमेंट कर रहे हैं और कई लोग पॉजिटिव और बहुत मजाक उड़ा रहे हैं प्लीज़ इंस्टा आई डी पर DM करो टी शर्ट गिफ्ट कर दो रही बात लुक की भाई बड़े बाल हैं 2 बजे शूट कर रहा हूँ तो ये कैप मुझे पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं 2 बजे कंघी क्रीम मेकअप करके वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ तो आप समझने की कोशिश करो और वीडियो एंजॉय करो उन्होंने 40 था बड़ा इंपॉर्टेंट और उसके बाद किंग आए किंग कोहली आए विकेट मुश्किल थी आसान नहीं थी बॉल फंस रहा था तमन महाराज ने जो बॉल किया गेल को क्या खूबसूरत बॉल था राइट और उसके बाद आई थॉट कि आउट कर लेंगे इनको 2 आउट कर दिए हैं बट नहीं उनके कोहली हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड मिस्बा व्हाट डू यू रेट हाउ डू यू रेट हिज इनिंग्स बिल्कुल पहले जिस किस्म का ये पिच है इस पिच पे 10 ओवरों में 91 रन दैट अलाउड बेसिकली विराट कोहली के वो टाइम लें क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुराना होता गया स्पिनर्स आए तो विकेट बड़ी मुश्किल हो गई एक रन करना मुश्किल था सिंगल्स इवन डिफिकल्ट थे बट अगेन विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई वहाँ पे एक्चुअली आराम से मेक किया जहाँ बाउंड्री वहाँ पे बाउंड्री डीप गए टीम को लेके गए एंड तक और एक बेस सेट की नॉट ओनली दैट हम तो ये तो देख रहे हैं जो हाइलाइट्स में नजर आ रही है ना शॉट्स वगैरह उनकी मिस बात द अमाउंट ऑफ सिंगल सेट ही टुक एंड मैं वो देख रहा था व्हेन ही वाज इन हिज 70s एंड 80s द वे ही वाज रनिंग इवन इन दैट यू नो आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दैट टाइम एट द क्रीज एंड इन फैक्ट आई थिंक आई हैव टू डिसएग्री विद पीपल नाउ आई मीन ये किंग विंग जो है ना किंग कहना कि जी किंग कोहली हैं किंग कोहली हैं I think that has to be abandoned because this is not kingly stuff at all. This is not king. So, aap log kehte hain ji, oh, King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. Because interestingly, agar aap inka record dekhenge, Shoaib Malik, is that he's gotten those 49 centuries in about 200 and something games, whereas jinka record unhone aaj equal kiya Sachin Tendulkar, another great of the game, his was done in some 400 plus innings. 462 innings, right? And this guy has done it in 277. Yeah. 277. Yeah, so 451, 462, 451 innings for Sachin Tendulkar and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt, जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है सचिन तेंदुलकर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर उनका रिकॉर्ड बराबर किया है बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है वो ये है कि इनके जो हंड्रेड्स हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में yes. ये दैट्स व्हाट मैटर्स क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत जबरदस्त जी तो उसमें देखें 100 बनाना इट्स ऑल्सो अ मैसिव डील और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं उसके आगे कुछ नहीं है एंड आई गेस एक उनकी और बड़ी मज़े की चीज़ है विराट की कि वो कंडीशंस को बहुत अच्छे से असेस करते हैं आउट भी हो जाएंगे तो वो ऐसे लगता है कि एक ही बैटर खेल रहा है एक एंड पे कोई नहीं है लेकिन रन आ रहे होते हैं वहाँ से जैसे हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी देखा ओवर द ईयर्स वी हैव बीन वॉचिंग हिम बैटिंग लाइक दिस तो उनमें एक चीज़ और बड़ी मज़े की है फिजिकल फिटनेस उनका नेक्स्ट लेवल है
टुडे ही सेलिब्रेटेड हिज 35th बर्थडे, बट ऐसे लगता है कि 25 साल का बच्चा जो है वो भाग रहा है. yeah. जैसे वो टूर्स लेते हैं एज यू मेंशन, जब आप उनको प्रेस कर रहे थे, तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको क्या करती है जो विराट करते हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कराती है. इसीलिए आप देखें कि वो 50 ओवर फील्डिंग भी करके आए, यू डोंट सी एनी डिफरेंस इन हिज फिटनेस. वो पहले बैटिंग करें, कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वापस फील्डिंग है. शॉर्ट फाइन लेग पे भी नहीं खड़े होते, वो जाते भी हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं. और देखें 30-yard सर्कल के बाहर अगर रिक्वायरमेंट है, दो रन बचाने हैं, अच्छा को कैच लेना है, रनिंग कैच लेना है, यू सी विराट फील्डिंग एट दैट स्पॉट. अगर सिंगल रोकना है 30-yard सर्कल में, आप बैक फुट पॉइंट देख लें, एक्स्ट्रा कवर देख लें, शॉर्ट मिड विकेट देख लें, मिड ऑफ देख लें, मिड ऑन देख लें, ही इज देयर. दैट्स द कमिटमेंट लेवल, और वो तभी आ सकता है जब आपकी विराट जैसी फिटनेस हो. Well, let's, okay, so Rohit Sharma comes in, sets the tone, as you said, destruction from the top, and tittar-bittar upar se sabko karne ke, test-mess karke, and then you have people like Shubman Gill right behind him, and then Virat Kohli comes in, goes deep into things, but even how, about Iyer today? Iyer yeah. was batting amazing today, Mohin, he was fantastic. Ji, bilkul, ek pressure to aaya tha, 10 overs mein jab 91 runs hoye, 2 wickets giri hain wahan pe. तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता था कि दोनों को स्टे करना था पिच के ऊपर. यू नो पिच इतनी इजी नहीं थी एज वसीम भाई मेंशन, कि वहाँ पे एक बिल्डअप करनी थी पार्टनरशिप, और एट द एंड हमने देखा कि ये बिल्ड हुई पार्टनरशिप जस्ट कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली है. कोई ऐसा अननेसेसरी कोई हिट नहीं मारी है, टर्न बहुत हो रहा था बॉल बीच में जब केशव महाराज बॉल करने आए थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते, बट उनके अगेंस्ट जिस तरह खेली है, बैटिंग की है, लाइक बिल्कुल विद द स्पिन ऑन द पिच पे जाके बॉल की डाउन द विकेट भी निकल के एक दो शॉट्स मारे, लेकिन कहीं भी कोई रैश शॉट. एक इनिंग के अंदर विराट को एक चांस ज़रूर मिला था, लेकिन शिराज ने नेचुरली प्रेशर नहीं आने दिया उनके ऊपर बिल्कुल, बिकॉज दूसरे एंड से टोटली बाउंड्रीज मिल रही थी, तो प्रेशर भी रिलीज हो रहा था साथ साथ. आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, स्पेशली इस थर्ड विकेट जो पार्टनरशिप हुई है, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप. शिराज अय्यर को बहुत अच्छा उन्होंने ना चार नंबर पे रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खड़े खड़े बहुत कम बैटर्स हैं जो क्रीज में रह के जो है स्टिल डाउन द ग्राउंड छिक्का मार लेते हैं, ही इज वन ऑफ देम. और केएल राहुल स्कोर्ड लॉट्स ऑफ रन्स, बट ही वॉज इंजर्ड श्रेयस अय्यर, लेकिन जब वो लेके आए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी की कि नहीं, श्रेयस जो है ही वुड बैट एट 4 और 5 पे केएल राहुल आएंगे, अगर जल्दी आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चांस लेके खेलते हैं, तो केएल राहुल जो है वो उस चीज़ वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करेंगे और एंड पे लेके जाएंगे. शमसी की बॉलिंग आपने देखा है जो शॉर्ट अय्यर की बात करूँ कि वो इतने आराम से उसको पिक कर रहे थे, जो गुगली किया उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से आराम से मारा, और जो नॉर्मल बॉल अंदर आया वो बड़ी की, जिसको हम विराट कोहली कहते हैं, एक और सेंचुरी विराट कोहली ने अपने नाम की. सो ये देखिए कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर, अगर हम देखें तो सचिन और कोहली का ये मवाजना कि जहां नंबर ऑफ अपोजिट टीम्स 11-9 वर्सेस, क्योंकि दोनों की 49-49 सेंचुरीज हो गई हैं आज, और फिर ये इसका एक और कंपैरिजन कि घर पर सचिन ने 20 बनाई इंडिया में, कोहली ने 23, और बाकी मवाजना भी आपके सामने है. लेकिन अगर हम ये देखें कि कितनी इनिंग्स का, मैचेस का नहीं, इनिंग्स का सहारा लिया कोहली ने 49 सेंचुरीज बनाने के लिए, और कितनी इनिंग्स का सहारा लिया तेंदुलकर ने, तो सचिन तेंदुलकर ने 49 सेंचुरीज बनाई 451 इनिंग्स में, 451 इनिंग्स में. कोहली ने यह काम किया है 277 इनिंग्स में. मतलब कमाल, क्या बात है. सो ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर की अपनी एक क्लास है, लेकिन ये अपने जमाने का बहुत बड़ा खिलाड़ी, सही बात है, क्रिकेट भी तब्दील हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन कोहली ने बहुत सारे और भी रिकॉर्ड अपने नाम किए इस वर्ल्ड कप में. 500 रन बना डाले, 6000 रन बना लिए इंडिया की तरफ से ओडीआईज में, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हो गया वर्ल्ड कप में, और बहुत कुछ. बहरहाल 326 रन जब बना डाले इंडिया ने, तो फिर सब नजरें थी कि देखते हैं आज साउथ अफ्रीका क्या करता है. लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया, मतलब कमाल ही हो गया. मैं यकीन करें, मेरे साथ ये हुआ कि मैं इंडिया की बैटिंग देख रही, स्कोर देख रहा है, मैंने कहा जरा एक दो घंटे बाद देखेंगे, आखिरी 15 ओवर देखेंगे कि साउथ अफ्रीका को कितने बॉलों पे कितने रन. और जब मैंने खोली वेबसाइट तो मैं लिखा हुआ था 83, तो मुझे लगा कि मैंने गलत देख लिया है, पता नहीं किया मैंने उसको रीलोड किया सारा कुछ, लेकिन सही देखा था. साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 83 रन पर आउट. अब ये तय है कि चौथे नंबर की तो जंग जारी है, कि उसमें हम आते हैं, न्यूजीलैंड आता है,
अफगानिस्तान आता है या ऑस्ट्रेलिया गिर के चौथे पर आते हैं, क्या होता है, वो जो भी चौथे नंबर पर आएगा, जो कि हम भी हो सकते हैं, उसका सेमीफाइनल अब इंडिया से होना है, ये अब तय हो गया है। तो अगर पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो चौथे पर ही आएगा, तीसरे पर तो नहीं आ सकते। तो अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए, तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया से है इस वर्ल्ड कप का। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। सो इससे पहले कि आज के मेहमानों का तारुफ कराऊं, मैं जरा क्विकली एक एक कॉमेंट। बासित भाई, इंडियन बॉलिंग, मतलब सब, मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार दो बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये तो ऐसा लगा कि इंडिया कोई फुल मेंबर नेशन के अगेंस्ट खेल ही नहीं रहा, मतलब ये तो अजीब ही हो गया। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए, जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, हाँ, उसके आसपास भी कोई नहीं, कोई टीम नहीं है। हम अफ्रीका को बोलते थे ना जी, कि वो टीम लगती है जो शायद मुकाबला करे, तो आज वो मिट्टी के रेत के ढेर की तरह साफ कर दिया, खत्म। 14 रन हाईएस्ट है वो भी बॉलर का। इमेजिन, क्या हम स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग का? व्हाट अ फनी स्कोर कार्ड इट इज। जेनसन का 14 रन हाईएस्ट है। और अभी आप जब इंट्रो में बात कर रहे थे सचिन और विराट की, सचिन तो मास्टर था, और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है, बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का मुजिका खेल स्कोर कार्ड, 5, 11, 13, 9, 1, 11, 14, 7, 6, 0, ये पूरी टीम है साउथ अफ्रीका की, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोरर है उसने बनाए हैं 14 रन। तो आदि का फोन नंबर है ये, 5111 13 जाए जो भी। तो भाई ओके लेकिन अब कामरान भाई, आप भी ये कह रहे थे कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में देखना होगा, लेकिन अगेन ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट या नहीं, कि वो कहते हैं ना जब एक टीम मुसलसल जीत रही हो तो एक हार आपकी ड्यू हो जाती है, और इम्पोर्टेंट है कि आप असल जगह पर आके बस में आप यही सोचते रहेंगे, सब यही सोच रहे हैं। नहीं, ख्वाहिश नहीं है, मेरा सवाल है, ये सब सोच रहे हैं दुनिया वाले, हो सकते हैं ना, कैसे वो खेल क्रिकेट तो देखे ना, वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि हमारा किससे है, हर टीम पे वो बुरा दिन अगर सेमीफाइनल में हो गया तो हो सकता है फाइनल के बाद आ जाए। यू आर राइट, लेकिन फाइनल के बाद, हाँ मैं समझ रहा हूँ, कहनी वो जीत जाए। जिस तरह मैं पिछले मैच में बता रहा था पिछले प्रोग्राम में, कि भारत ने आज का मैच मिला लें तो पिछले 3 वर्ल्ड कप में जो 25 मैच खेले हैं उसमें से 3 या 4 हारे हैं सिर्फ, और उसमें से 2 सेमीफाइनल हैं जो कि नहीं हार रहे थे, उसके अलावा 12 भी हार जाता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, 8 भी हार जाता फर्क नहीं पड़ता। सो ये तीसरी बार नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा जैसी परफॉर्मेंस है पहले तो पूरी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी, भारत ने इतना आउटस्टैंडिंग मैच जीता है कि मुझे पाकिस्तान से कल तक तो शायद बहुत फ़नी वीडियो मिल जाएंगे, शायद फिर से ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसमें वो बोलेंगे कि भैया इनकी जो गेंदबाजी है ना, ये BCCI गेंद चेंज कर देता है, बॉल चेंज कर देता है, एक्स्ट्रा ऐसी कोई स्विंग और स्पिन होने वाली बॉल दे देता है जिससे कि इनके बॉलर्स को ज़्यादा कुछ मतलब स्पिन या स्विंग या सीम्स मिलता है। तो यार भारत इस समय डेफिनेटली, मुझे 2003 की ऑस्ट्रेलिया, मैंने वो वर्ल्ड कप लाइफ में पहली बार देखा था, मतलब क्रिकेट में अगर समझ आई है तो 2003 से ही आई है। तो वो जो वर्ल्ड कप था वैसा कुछ टीम इंडिया खेल रही है, लिटरली बता रहा हूँ वैसा कुछ खेल रही है, और उम्मीद करते हैं कि वैसा ही कुछ फिनिश हो। और भारत का सेमीफाइनल ज़्यादातर चांसेस बन रहा है न्यूजीलैंड के साथ, और अगर कोई कुदरत का निज़ाम कुछ काम करता है पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के साथ चांस बन सकते हैं, और कोलकाता में होगा पाकिस्तान के साथ, और भारत नंबर 1 पे रहेगा ये कन्फर्म है। तो भारत का जो सेमीफाइनल है शायद कोलकाता में हो, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है, और सुनने में क्या मतलब, ऐसा 1-4, 2-3, तो आप समझो। हालांकि मैं ये सेमीफाइनल वाले सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, अगर कोई टीम 9 लगातार मैच खेलती है तो उसको एक मैच में हारने के बाद उसका साथ मतलब जो टॉप पे है या टॉप 2 पे है तो उसके लिए प्ले ऑफ्स होना चाहिए जैसा IPL में होता है, ये बिल्कुल अनफेयर है। अगर आप पूरा इतना लंबा टूर्नामेंट अच्छा खेलो और एक दिन आपका ख़राब चला जाए सेमीफाइनल वाला दिन, तो फिर आप सीधा वर्ल्ड कप से बाहर, तो ये बिल्कुल अनफेयर है। इसमें प्ले ऑफ्स होना चाहिए जैसा IPL में होता है, तो एटलीस्ट जो टीम नंबर 1st पे है और 2nd पे है उनको कुछ बेनिफिट तो मिले,
आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट पे अपनी राय दें। हालांकि ये कुछ होने वाला नहीं है राय देने से, क्योंकि आईसीसी में ये सिस्टम नहीं है, आईपीएल में चलता है। विराट कोहली ने आज जो सेंचुरी मारी है, मेरे साथी मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि आज विराट कोहली बहुत स्लो खेल रहा है, सेल्फिश है, सेंचुरी के चक्कर में मर रहा है ये वो, बट विकेट में स्पिन थी, विकेट थोड़ा सा टफ था। अगर आसान होता तो भारत के जो बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका का हाल किया है उससे आप समझ जाओ कि विकेट टफ था। मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ रोहित शर्मा से, जिस तरीके का बिल्कुल मतलब केयरलेस शॉट मारा रोहित शर्मा, बहुत ही मतलब ऐसे लग रहे थे मुझे दो छक्के उन्होंने मारे कि आज ये बहुत बड़ा रन आने वाला है इनकी तरफ से, कुछ शायद दोहरा वोहरा ना आ जाए, यहीं पर इन्होंने दोहरा शतक मारा था 264 रन का। तो बस कितना घटिया शॉट मार के वो आउट हुए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल खेले रोहित शर्मा, विराट कोहली इस टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे आप गिल को रख लो, केएल को रख लो या अय्यर को रख लो, और सूर्या भी रिवर्स और ये उल्टे सुलटे शॉट के चक्कर में आउट हो रहे हैं, सूर्या फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। सूर्या से चाहिए हमें फिनिश, अच्छा फिनिश। जडेजा उसी लेवल के प्लेयर हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के लेवल के, अगर आप देखें ऐसा खेलते हैं वो, और सबसे सीनियर प्लेयर्स में से एक हैं जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट के बारे में प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा। वर्ल्ड कप 11 तारीख तक तो बिल्कुल अभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी टीम पहुँच रही है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का अगर मैच बारिश की वजह से कुछ लफड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान को मैच जीतना बस है, और अगर लफड़ा नहीं होता है, एक रन से न्यूजीलैंड जीतता है तो पाकिस्तान को 130 रन से जीतना है। तो मतलब मैं पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से आउट समझ रहा हूँ, कुदरत का निज़ाम ही इनका साथ दे सकता है। कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। टी शर्ट अगर मुझे आप नहीं दिलाना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इंस्टा पर जाकर मुझे टी शर्ट